ये दवान के तमन्य मनफिक किया गया और आप लोगों के मालिक हैं ये तहरीक गुज़िश्ता 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत को अंजाम देती आई इंशाअल्लाह 17 दिसंबर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँ कि तेरे हबीब की जिद और जश्न के इस इजलास को परवरदिगार कामयाब फरमाए। जलसे रहमतुल आलमीन मुनक्किद करने का मंशा और मकसद, जब तक किसी चीज का मकसद समझ में नहीं आएगा, किसी कौम में उस चीज के लिए जज्बा पैदा नहीं होता। और एक मुस्लिम साहब ने उस आर्टिकल को यूं पेश किया कि वो लंदन के एक बहुत बड़े होटल में बैठे हुए थे और उनके रूबरू कोई एक शख्स बैठा था जो बड़ी दाढ़ी थी, सर पे छोटी सी टोपी पहना हुआ था। लंदन के मुकाम पर एक बैरवी मुकाम पर उनको यह एहसास हुआ कि मेरा कोई कलमा तो भाई है और मैं इसे गुफ्तगू कर रहा हूं। उन्होंने फौरी उठे और उस शख्स के टेबल पर जाकर बैठ गए और उस शख्स से दरियाफ्त किया कि क्या आप मुसलमान हैं। उस शख्स मैं ये महसूस कर रहा था कि आप मुसलमान हैं और यह जरूरी समझा कि मुसलमान की हैसियत से मैं आपसे कुछ जज्बाती रिश्ता रखता हूँ और इसलिए एक दूसरे की शिनाख्त और तारुफ के लिए मैंने आपके सामने आके बैठा। और सामने वाले शख्स ने कहा कि मैं मुसलमान नहीं, मैं यहूदी हूँ। और फिर दरियाफ्त किया कि आप क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं आईटी इंजीनियर हूँ, लंदन में काम करता हूँ। और मुसलमान ने उस यहूदी से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने कहा कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मेरा रिसर्च ये है कि इस्लामिक दहशत गर्दी पे मैं एक पीएचडी कर रहा हूँ और मेरी तहरीक मुकम्मल हो चुकी है, अब मैं उसको खत्म बंद करने जा रहा हूँ। तो इस मुसलमान शख्स को बड़ी बेचैनी हुई कि उसने पूछा कि आपने अपनी तहरीक में क्या पाया कि मुसलमान दहशतगर्द और दहशतगर्दी की वजह। तो उस यहूदी ने कहा कि मैंने कभी